हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैप्टन आरटीआर हियर एंड टुडे विद अस वी हैव एन केटीएम आरसी 125 E20 एडिशन। यार इसमें एक नई चीज़ है जो पिछले आरसी 125 BS6 मॉडल में नहीं थी, वो है E20। एज यू कैन सी हियर टैंक पे E20 का स्टिकर लगा हुआ है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग E20 क्या है। अगर आपको नहीं मालूम E20 क्या है, E20 इज़ अ न्यू टाइप ऑफ पेट्रोल विच इज़ मिक्सड विथ इथेनॉल। तो अब ये बाइक इनेबल्ड हो चुकी है कि आप इसमें इथेनॉल भी डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। जब इथेनॉल वाला पेट्रोल पंप आएगा उसका पेट्रोल भी आप इसमें यूज सकते हैं। वो ये होता है ना कि वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होता है, शायद थोड़ा सा चीप भी होगा। तो देखते हैं यार इस बाइक में क्या क्या नया है इस बार, एंड बताते हैं आपको इसका छोटा सा रिव्यू एंड स्पेसिफिकेशंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट विद द लुक्स ऑफ इट। लुक्स आप देख ही पा रहे होंगे, सेम ही लुक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है। ब्लैक कलर में आती है, ये ब्लैक एंड ऑरेंज के फिनिश में। एज यू कैन सी हियर फुल बॉडी इसकी ब्लैक में है। यहाँ पे हम लोग को मैट में देखने को मिलता है, ये वाला ग्लॉसी में पार्ट देखने को मिलता है। सेम एज हेयर यहाँ पे भी हम लोग को मैट ग्लॉसी वाला मिक्स देखने को मिल जाता है। वाइजर भी पूरा हम लोग का स्मोक में दिया गया है। एंड जो सीट्स हैं इस बार की, वो देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है पिछली बार से। एंड जो हम लोग का मेन फ्रेम है वो तो ऑरेंज में मिलता है। एंड KTM की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, RC125 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे हम लोग को इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, आपको मैं जला के दिखा देता हूँ। ऐसे हैं इसके इंडिकेटर्स और सब कुछ तो सेम ही है। मीटर ऐसा होता है इसका, ये देख लीजिए, मीटर इसका पूरा डिजिटल देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया है। बैक लाइट आपको दिखा देता हूँ और बैक पीछे के इंडिकेटर दिखा देता हूँ। पीछे के इंडिकेटर्स हैं ऐसे, बैक लाइट है ऐसी। सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ इट। कुछ ज़्यादा डिफरेंट इस बार बनाया गया था और ग्रेविटी भी देखने को मिल जाती है हम लोगों को। एंड अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो है इसके इंजन की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। सो अगर इंजन की बात करी जाए तो दिस इज़ एन 124.7 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। इसमें हम लोग को 14.5 PS की पावर देखने को मिलती है 9250 RPM पे। 12 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है 8000 RPM पे, विच इज़ ओके फॉर एन 125 cc इंजन। ऑफकोर्स 125 है तो भाई इतना कुछ आपको नहीं मिलेगा। बिगिनर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी बाइक है, बट इट्स अ लिटिल बिट ऑन दी एक्सपेंसिव साइड। इसका कॉस्ट आपको पड़ता है 2,19,000 ऑन रोड, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर एन 125 cc। आपको इस प्राइस में R15 भी मिल सकती है। और इसके वेट की बात करी जाए तो 160 cc का वेट देखने को मिलता है। और जो फ्रंट सस्पेंशन है हम लोग को WP के देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया है यार, काफ़ी हाई क्वालिटी देखने को मिलता है हम लोगों को। टायर की बात करी जाए तो फ्रंट वाला 110 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, और जो पीछे वाला है वो है 150 सेक्शन का। एंड जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 13.7 लीटर्स की इसमें, विच इज़ वेरी गुड। और इसमें मोटो GP के ही इंस्पायर्ड स्टाइलिंग और एरोडायनेमिक देखने को मिल जाते हैं, विच मेक्स दिस बाइक लुक वेरी वेरी स्लीक एंड वेरी वेरी फास्ट। अल्ट्रा लाइट वेट इसमें फ्रेमवर्क देखने को मिलता है, ट्रेलिस फ्रेम है क्योंकि इसमें। और जो इसका मीटर है वो भी काफ़ी यूज बार हमको डिफरेंट दिया गया है पिछली वाली RC से। एज यू कैन सी है रेडी टू रेस लिख के आता है इसमें। एंड इसमें हम लोग को गियर इंडिकेटर और साथ में इसमें हम लोग को मोड भी देखने को मिलता है, नहीं इट हैज़ एवरीथिंग दैट यू वांट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें हम लोग को एयर बॉक्स भी बड़ा देखने को मिलता है, जिससे इसकी ट्रैक्टेबिलिटी और टॉक डिलीवरी दोनों बढ़ चुकी है। एंड ऑफकोर्स 30% लार्जर फ्यूल टैंक है, जो आपको पहले बता चुका हूँ गाइस। इसका आपको मैं जल्दी से एक बार एग्जॉस्ट का साउंड सुन देता हूँ कैसा है। सो गाइस ऐसा है इसका आइडल साउंड। ऑफ कोर्स बीइंग एन 125 cc इतना कुछ आपको इसमें लाउड एग्जॉस्ट साउंड देखने को नहीं मिलता है। इट इज़ एन वेरी चिल, वेरी लो साउंड, कचकच वाला साउंड है थोड़ा सा इसका, बट ऑफ कोर्स 125 cc क्या ही चाहते हो यार। सो एज आई सेड दिस बाइक इज़ गुड फॉर अ बिगिनर, बट अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड राइडर हो, अगर आप पहले बाइक चला चुके हो और राइड वाइड आप कर चुके हो, देन आप डेफिनेटली इस बाइक पर ना जाकर आप इसकी जगह RC 200 ट्राई करिएगा। RC 200 इज़ डेफिनेटली बेटर देन दिस, और या तो आप ड्यूक पर भी जा सकते हैं। सो दिस वॉज दी RC 125 E20 एडिशन फॉर यू। अगर वीडियो चले हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना फ्रेंड्स के साथ। अब मैं चलता हूँ एंड आई सी द नेक्स्ट वन। बाय बाय।